गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैं तिरंगा झंडा किस तरीके से हॉस्टिंग करा जाता है और किस तरीके से तिरंगे झंडे को टाइट करना है, कैसा बनना है और तिरंगे झंडे को कैसा हॉस्टिंग करना है, यानी नेशनल फ्लैग को फ्लैग हॉस्टिंग कैसा करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सब में पहले तिरंगे को इस तरीके से पकड़ लिए। पकड़ने के बाद इसकी रस्सी के ऊपर तवज्जो देना है, रस्सी को देखना है, रस्सी अखंड रस्सी रहना है, इसमें कोई घिटी और डिस्टर्ब रस्सी नहीं रहना है, ठीक है। दो तरफ भी इक्वल पार्ट्स रहना है रस्सी के। उसके बाद ऑरेंज तरफ की रस्सी को ये पकड़िए आप, ऑरेंज तरफ की रस्सी को आप ये तिरंगे के बम्बू में, यहाँ पे एक व्हील रहती है, जरा सामने आइए, कैमरा ले लेके सामने आइए, फोन ले लेके सामने आओ, इधर आ लो, ये दिखाइए आप, ये व्हील रहती, इस व्हील में इधर आपको ये ऑरेंज तरफ ऑरेंज की रस्सी, यानी ऑरेंज के टॉप पे जो रस्सी जा रही है, वो रस्सी को आप इधर से व्हील में से लेंगे। लेने के बाद फिर ऊपर से ही ये व्हील में एक होल है, इधर से आप ये रस्सी को निकाल लेंगे, ठीक, ऐसा निकाल लेने के बाद। अब जब ये निकाले जाएगा, अब यहाँ पे आप थोड़ा नीचे एक गार्ड मार के, यानी रस्सी डिस्टर्ब नहीं होना बोल के एक गार्ड मार के इसको ऐसा छोड़ देने का। अब आप देखिए तिरंगे का तरीका, इधर आ जाइए, आप इसको इस तरीके से पकड़ लिए, ठीक है। और ये बनने से पहले मैं आपको बोलूँगा, मेरा नाम मोहम्मद हाजी अली है, जूनियर असिस्टेंट सेटविन, और मेरे साथ स्टूडेंट है सेटविन के, आपका नाम मुख्तजर है, मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने वाले, मोबाइल फ़ोन से कैमरा रिकॉर्डिंग करने वाले स्टूडेंट सलमान है। अब मैं आपको तिरंगे को किस तरीके से फोल्डिंग की जाती है और इसको कैसा बनाया जाता है, फिर उसके बाद तिरंगे झंडे को नेशनल फ्लैग को कैसा हॉस्टिंग करते हैं वो बताऊँगा। अब आप ध्यान से इसको देखिए, ये ऑरेंज कलर है, इस बीच में जो है वाइट कलर, उसके बाद ब्लू कलर, ग्रीन कलर जब आएगा उसको आप बीच में से, यानी वाइट कलर से पकड़ते हुए ऑरेंज को अंदर से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ग्रीन को आप ऊपर से फोल्ड करेंगे, ऊपर से फोल्ड करने के बाद फिर ऑरेंज को आप टॉप पे लेके आ लेंगे, लेके आने के बाद फिर इसको इक्वली फोल्ड करेंगे, अभी आपका फोल्ड हो गया। होने के बाद अब आप यहाँ से ये उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए इसको फोल्ड करेंगे, ऐसा इस तरीके का फोल्ड, आप देखिए चार उंगलियाँ ये थंब ऐसा रखते हुए मैं ऐसा फोल्ड करूँ, थोड़ा सामने आओ कैमरा, फोन ले लेंगे ऐसा, तो पीछे जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये ऑरेंज कलर की रस्सी को कुछ नहीं करना है, ये ग्रीन कलर की रस्सी को लेके लूप लेना है, ये ग्रीन कलर की रस्सी का लूप, ठीक है, ये ऑरेंज कलर की रस्सी को ऐसे छोड़ देना है, थोड़ा साइड में हो तो आइए सामने, अब देखिए, अब मैं ये ग्रीन कलर की रस्सी को लूँगा, लेके एक लूप मैं इधर से बताऊँगा, बताते हुए फिर मैं इसको अंदर से इसको ऐसा फोल्ड कर दूंगा, फोल्ड करके इसको इधर से टाइट कर दूंगा, ठीक है। जब ये टाइट हो जाने के बाद अब इधर आइए, आके अब मैं इस रस्सी को मैं इधर से खोल लेके, क्योंकि ये ऑरेंज कलर की है, इसको खोल लेके ऑरेंज कलर की रस्सी को मैं हल्लू नीचे छोड़ दूँ, ऊपर ही देखो, देखिए ये ऑरेंज कलर की है रस्सी, ऊपर जा रही, आप हटो ऐसा ऊपर जा रही, इसको मैं ऐसा ऊपर लेके गया, ऊपर तक लेके जाऊँ, कैमरे से ऊपर तक मूवमेंट बताओ इसका,
ये अब उन्हें ऊपर जाने के बाद, तिरंगा ऊपर जाने के बाद, ये ग्रीन कलर की तरफ की रस्सी को अच्छे से देखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको सिर्फ ऐसे खींचूँगा। इधर देखिए, ऐसे मेरे हाथ की तरफ फोल्ड करिए, ऐसे ऐसे खींचा, ये आपका झंडा चढ़ गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से टाइप करूँगा। अच्छा, टाइटली टाइप करना है, क्यों बोले तो हवा से फिर झंडा नीचे उतर के नहीं आना, वैसा टाइट करना है इसको। इधर मैं एक गार्ड इधर से मार के, ये हो गया। ये फ्लैग होस्टिंग करने का है, एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फ्लैग होस्टिंग किस तरीके से करना वो लोग को नहीं मालूम, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इस वास्ते हम ये फ्लैग होस्टिंग की वीडियो बनाए हैं। शुक्रिया।